हाँ, तो मैं उन माँ बाप से पूछना चाहती हूँ जो अपनी लड़कियों के लिए या तो लड़का ढूंढ रहे हैं या ढूंढ चुके हैं, उनको मिल गया है। आप पहले तो एक काम करें, अपनी लड़की की हड्डियाँ निकालें और उसमें लोहा डाल दें, क्योंकि भाई यही काम आना है। ससुराल जाएगी, वहाँ सासू जी बोलेंगी, बेटा अब आप ही को घर संभालना है। ये सिर्फ और सिर्फ पागल बनाने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। शुरू शुरू में तो वो आपसे प्यार से बोल के, प्यार से बातें करके आपसे काम कराएंगी, फिर वो बातें कानों में कब कन्वर्ट हो जाएंगी तुम्हें खुद को समझ में नहीं आएगा। फिर हर बात पे एक नया ताना मिलेगा, जैसा भाई हमारा बेटा कभी कोई काम नहीं करता था, हमने कोई काम ही नहीं कराया उनसे, और जब से ये आई है तब से देखो उसके आगे आगे पीछे पीछे घूमता रहता है। और गलती से किसी दिन लड़का तुमसे पहले उड़ जाए तो सासू का एक और नया ताना, देखो हमारा बेटा कभी 10 बजे उठता था, आज देखो बहू सो रही है, हमारा बेटा जगा घूम रहा है। और कभी, क्योंकि तुम भी एक इंसान हो, कभी तुम्हें जरूरत पड़ जाए और पति तुम्हारा बोल दे कि लाओ हम ये तुम्हारा काम कर देते हैं, तो सासू का एक और नया ताना, ये देखो घर के कामों का इसको तो पता तक नहीं था, और आज देखो हमारा बेटा बर्तन मांज रहा है। तो भाई माता जी, हमारे भी घर वालों ने हमें ऐसे ही पाला है। हमारे घर वालों ने ऐसा नहीं किया था कि अरे कल तो तेरी शादी होने वाली है, रात के बर्तन पड़े हैं वो तो मांजती जा, ऐसा नहीं था।